वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं, फटाफट से कनेक्ट हो जाएं ऑल स्टूडेंट्स। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम को, द्विपद प्रमेय के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन जो है वो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो सभी लोग फास्टली कनेक्ट होते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें क्लास के अंदर, ताकि अपन लोगों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, सुनील वैष्णव जी वेरी गुड इवनिंग, धनराज जी नमस्ते भैया, सुनील जी नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग, सोनू विष्णु जी वेरी गुड इवनिंग भैया माई डियर। जल्दी से फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइएगा फटाफट से। सूर्या सुमन जी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग फास्टली जुड़ते जाएं खटाखट खटाखट। आज का सुपर 30 सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और आज का टॉपिक है अपना बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। अमन राज जी वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से फास्टली सभी लोग जुड़ जाइएगा। सर जी टेस्ट अपलोड, टेस्ट बेटा थोड़ा सा दिवाली वैकेशन की वजह से थोड़ा सा एक दो टेस्ट पेंडिंग हो गए थे, ठीक है ना, कल या परसों में सारे टेस्ट अपने वापस अपनी रफ्तार पे आ जाएंगे, ठीक है ना। नमस्ते जी महेश कुमावत जी नमस्ते, कुलदीप पाठक जी गुड इवनिंग भैया, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा सभी पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम दीवाने जी जय श्री श्याम माय डियर। फटाफट से वीडियो को लाइक करके और सभी जगह पर शेयर कर दें फटाफट से, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा द्विपद प्रमेय का अपना सेशन है आज, और आज के सेशन में जो पहला सवाल हमारे पास है, पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इसका जवाब मुझे आप सब लोगों से चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 4 माइनस 3x की पावर 7 की विस्तार में x बराबर 2/3 जब है तो संख्यात्मक सबसे बड़ा पद क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना अपन को यहाँ पर सीखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें माय डियर, एक बात देखें, a प्लस बी की होल पावर n है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करें फटाफट से। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, a प्लस बी की होल पावर n के अंदर अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपन को निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एन प्लस वन बटे वन प्लस मॉड ए अपॉन बी का मान हम लोग निकालते हैं। किसका मान हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, एन प्लस वन बटे मॉड ए अपॉन बी का मान हम लोग निकालते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एम से, किससे डिनोट करते हैं, एम से। और इसको एम से डिनोट करने के बाद अगर जो एम का मान आ रहा है, एम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान है उसमें प्लस वन कर देंगे, तो ये जो टर्म है ये टर्म हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। यहां पर इस सवाल में बात करें तो n इज इक्वल टू हमें दिया गया है 7, पावर में 7 है, यहाँ a का जो मान है ये 4 है, a की जगह पर 4 लिखा हुआ है, और b का मान अगर हमें देखना है तो b का मान है -3x, b का मान है -3x, और ये x का मान हमें यहां पर दिया गया है 2/3, x का मान 2/3 यहां पर दिया गया है, -3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो -2, और जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 7 और 1 8 बटे 1 प्लस मॉड a, a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है हमारे पास 4, ठीक है ना। तो 4 बटे में b का -2 इसका मॉड, तो ये हमारे पास आएगा 8/1 + 2, 8/3 हमारे पास आएगा, और 8/3 आएगा तो 2 point something हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सॉरी 2 + 1 = 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर है, तो 2 point something जब इसका मान आएगा, तो 2 point something जब हमारे पास इसका मान आएगा तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना, 2.6 के आसपास हमारे पास ये आएगा, तो 2.6 का इंटीजर मान प्लस 1, और 2.6 का इंटीजर मान होगा 2 + 1 जब करेंगे तो T3 यहाँ पर निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा माय डियर, T3 यहाँ पर निकल करके आएगा, और T3 निकल करके आएगा तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी,
T3 हो जाएगी। क्या लॉजिक सभी को समझ में आ गया माय डियर? ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया? a प्लस बी की होल पावर n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, ये यहां पर आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है। और इस सीरीज को हमें एज ए लाइव टेस्ट लेकर के हमें काम करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के आंसर लाइव में लगाने की प्रैक्टिस करें हम लोग, लाइव में क्वेश्चंस के आंसर लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर्स डालेंगे, तो उन चीजों से हमारी स्पीड बनेगी, हमारी एक्यूरेसी का हमें पता चलेगा, हमारे जो नेगेटिव होने के चांसेज है वो हमारे कम होंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस हमें यहाँ पर लेकर के आनी है एग्जाम वाली, ठीक है ना। और साथ के साथ चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं। ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ भी है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझने का प्रयास करें, ये क्या कहना चाह रहा है। a1, a2, a3, a4 वन प्लस एक्स की होल पावर n के विस्तार में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दें, बिल्कुल माय डियर, यहां पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं अपन, न्यूमेरिक मिडिल टर्म के अंदर बाइनोमियल कॉफिशियंट जो है वो ग्रेटेस्ट होता है, मिडिल टर्म के अंदर बाइनोमियल जो कॉफिशियंट है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है ना। अमन राज जी यहां पर इस लॉजिक को सही करना, ठीक है ना, और यहां पर बात को समझना, यहां बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट नहीं पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट आपको मिडिल टर्म के अंदर मिलेगा, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालनी है तो आप इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। और इसमें T2, T3, T4, T5 के जो गुणांक हैं वो आपको दे रखे हैं, A1, A2, A3, A4 दे रखे हैं, ठीक है ना। यहां पर एक बात ध्यान, अब यहां पर एक लॉजिक को समझना, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये आप लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे, और ये बहुत जगह काम आने वाला फॉर्मूला है, बहुत सारी कैलकुलेशंस को आपको इजी करने वाला है ये फॉर्मूला, ये हमें यूज करना आना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना अपन लोगों को सीधे सीधे आना चाहिए। NCR बटे NCR माइनस वन, ठीक है ना, मतलब ऊपर दोनों में N सेम है और R में एक का अंतर है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, N में से इसको माइनस करेंगे, तो N माइनस करेंगे R माइनस वन को, तो N माइनस R प्लस वन हो जाएगा और बटे में ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर T2 इसका जो मान है 1 प्लस एक्स की ऑल पावर n को हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है 1 प्लस NC1 x प्लस NC, स्टार्टिंग में ये NC0 होता है, प्लस NC2 x स्क्वायर होता है, डॉट डॉट डॉट। तो T2 जो है, T2 ये है, इसमें इसका गुणांक, ठीक है ना, ये हमारे पास है, यहां पर A1 का भाग दे दें ऊपर नीचे, ठीक है ना, A1 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1 प्लस A2 अपॉन A1 बनेगा ये, और इसमें A3 का ऊपर नीचे भाग दे दो, 1 प्लस A4 बटे A3 बनेगा, और इन सब के मान जब यहां पर लिखे जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस A2 कितना है, A2 का मतलब है T3 का गुणांक, T3 का जो गुणांक है वो हमें चाहिए, अगर उसमें M एक इंटीजर वैल्यू है तब भी वही आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसका अपन उसका इंटीजर मान वही आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दें, A2 अपॉन A1, A2 क्या चीज है, A2 है T3 का बाइनोमियल कॉफिशियंट, T3 का बाइनोमियल कॉफिशियंट है NC2, ठीक है ना, और बटे में हमारे पास जो है, यहां पर एक काम करते हैं और भी इसको अगर सिंपल बनाना है थोड़ा सा इस सवाल को, ठीक है ना, इस सवाल को थोड़ा सा और समझने के लिए, इसकी ट्रिकी सॉल्यूशन को अपन समझने का प्रयास करते हैं, चार पद अपन को चाहिए, 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 अपन यहां पर खोल लेते हैं, 5 पद अपन को चाहिए, 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 को हम लोग खोले, तो 1 पर देखो ये पावर 4 तक की चीजें आपको आनी चाहिए, पास्कल ट्राइंगल आपको आना चाहिए, 1 1 1 2 1, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा, फिर यहां 1 1 और 2 3, इधर 2 प्लस 1 3 और ये 1, फिर 1 ये 4 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 1 प्लस 4x, फिर 6x² प्लस 4x³, ठीक है ना, और प्लस x की पावर 4, ठीक है ना। यहां पर इस ट्रिक से अपन इसको इस्तेमाल कर दें,
तो यहां पर जब करें तो ये हमारे पास किसका मान हो गया, a1 हो गया, ये हमारे पास a2 हो गया, ये हमारे पास a3 हो गया और ये हमारे पास a4 हो गया। a1, a2, a3, a4 हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तीन से नहीं होगा क्योंकि अपन को पांच पद तो चार टी फाइव तक तो अपन को जाना ही है ना, और पांच पद आने के लिए पावर फोर तो अपन को लेनी पड़ेगी दिव्यांशु जी, ठीक है ना। अब ये मान रख करके अपन इसमें चेक कर लो, तो इसमें ए वन बटे ए वन प्लस ए टू, ए वन हो गया चार बटे ए वन प्लस ए टू, चार प्लस छह दस, और प्लस ए थ्री कितना है, ए थ्री है चार, और बटे में ए थ्री प्लस ए फोर पांच, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया दो बटे पांच, और प्लस चार बटे पांच, तो ये हो गया हमारे पास छह बटे पांच। अब छह बटे पांच किस ऑप्शन से यहां पर आ रहा है, उस ऑप्शन को यहां पर आप मैच कर लें। इसमें अगर जरा चेक करें तो a2 कितना है हमारे पास, 6 बटे a2 प्लस a3 कितना हो रहा है 10, 6 बटे 10, दो 6 बटे 10 गलत हो जाएगा। 2a2, 2a2 कितना हो जाएगा 12, 2a2 हो जाएगा 12, और a2 प्लस a3 है 10, ये हमारे पास 6 बटे 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही है। ये माइनस में आएगा तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, और a2 बटे 2a2 प्लस a3 ये भी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा आंसर करेक्ट निकल करके आएगा। तो सभी को बात समझ में आई किस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, ये लॉजिक भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। सबको समझ में आ गई माय डियर ये बात, चलिएगा ये इस तरह से आपको इसको मैंने पूरा करके बताया है। एन के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, और ट्रिक भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रिक से भी इस सवाल को यहाँ पर किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट से भी आपको यहाँ पर करके बताया गया है और वैसे भी करके बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इधर से बात करें अपन, इसकी ट्रिक को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब x की x क्यूब माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 15 के विस्तार में आरवां पद x से स्वतंत्र है तो r का मान क्या होगा, आरवां पद x से स्वतंत्र है तो r का मान हमारे पास क्या होगा, यहां पर ये बात अपन को यहां पर समझनी है। देखो तो एक बात समझना, a x की पावर अल्फा प्लस माइनस b बटे x की पावर बीटा की होल पावर n में स्वतंत्र पद अपन को छांटना है, ठीक है ना। इसमें x से स्वतंत्र पद t r प्लस वन अगर हमारे पास है, में x से स्वतंत्र पद हमारे पास क्या है मान लीजिए t r प्लस वन, ए एक्स की पावर अल्फा इस फॉर्मेट में हमारे पास चलता है। सर आपने नोट्स में बताया यहां कि अगर m इंटीजर है तो मैक्सिमम टर्म tm, हाँ दोनों सेम है ना, मतलब दोनों बराबर ही आएंगे तो tm प्लस वन भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना माय डियर। तो यहां पर x से स्वतंत्र पद जो है वो हमारे पास क्या होगा, टी आर प्लस वन होगा, ठीक है ना। अब टी आर प्लस वन में जो r की वैल्यू निकालने की जो ट्रिक हमारे पास है, r का जो मान हमारे पास यहां पर निकलेगा वो निकलेगा, ये जो n है ये अल्फा से गुणा करेंगे, n अल्फा, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, r इजिकल टू हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। एक में हाँ जी माय डियर, तो यहां पर ये बात ध्यान दें, तो यहां पर n अल्फा बटे अल्फा प्लस बीटा ये मान अपन यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर देखो 15 तीन से गुणा करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर 15 तिया 45, 15 गुणा तीन और बटे मैं तीन प्लस दो अपन यहां पर कर दे, इसकी पावर प्लस इसकी पावर तीन प्लस दो, तो कितना हो जाएगा तीन तो पांच से पंद्रह कट जाएगा, आर का मान आएगा नौ, तो r का मान 9 आएगा तो स्वतंत्र पद जो है वो कौन सा हो गया, टी आर प्लस वन, दसवीं पद जो है, दसवां पद जो है वो x से स्वतंत्र पद यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात अपन को यहां पर समझ जानी चाहिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहां पर इसका लगाया हुआ था मैंने आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर चार, इसको यहां पर अपन लोग समझने का प्रयास करें। अब देखो इस तरह के सवालों को अपन को यहां पर करके देखना है माय डियर। अब इस तरह के सवालों कोई कोई भी सवाल आए तो इनको भी अपन n वाले सवाल तो कोई भी हो n मान करके n की वैल्यू लेकर के ही हमें वो सारे क्वेश्चंस अपन को यहाँ पर सल्टाने हैं। तो n बराबर कितना ले लिया जाए, दो ले लिया जाए माय डियर।
एन बराबर दो ले लेंगे या एन बराबर एक ले लें, एक पर कोई दो मान सेम तो नहीं आएंगे, एन बराबर एक लेकर के देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 इजिकल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास तो सीधा सीधा, और 1 प्लस एक्स हो जाएगा तो यहाँ सी जीरो का मान 1 हो गया और सी 1 का मान भी 1 हो गया, और n बराबर 1 पर जब n बराबर 1 लिया तो 1 सी 1 मतलब एक a की टर्म यहाँ पर आएगी, ये जो मान बनेगा 1 स्क्वायर सी 1 मतलब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। n बराबर 1 पर 1 किस ऑप्शन में आ रहा है जरा देखें, ठीक है ना, कलर चेंज करवा दूंगा माई डियर, कल की क्लास में कलर चेंज करवा दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है ब्राइटनेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कोशिश करेंगे इसको सही करवाने की, ठीक है ना, देखने में ओके माई डियर, ठीक है ना, अभी मुझे तो थोड़ा बहुत ये आता नहीं है, कल मैं दिन में इस चीज को करवाता हूँ ठीक, ठीक है ना, पहले तो सही आता था यार ये कलर, पहले भी इसी पर क्लासेस चलती थी, पहले तो कोई दिक्कत आती नहीं थी, अभी ये दिक्कत आने लगी है शायद, ठीक है ना, इसको सही करवाते हैं शायद ऐसी दिक्कत क्यों आने लगी है ये, ठीक है ना, एक मिनट इसमें सही है अभी तो, ठीक है ना, देखते हैं इसको दिखवाता हूँ माय डियर, ठीक है ना, आज काम चला लीजिए अभी, तो यहां पर 1, अब n बराबर 1 पर ऑप्शन ए से क्या वैल्यू आएगी, ऑप्शन ए से अगर वैल्यू देखेंगे n बराबर 1 पर तो 2/2 एक आ जाएगा, ऑप्शन बी में कितना आएगा n बराबर 1 पर 2 आएगा, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन सी में निकालेंगे n बराबर 1 पर तो 2 आएगा तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी का मान कितना आएगा n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर ऑप्शन डी में भी 2/2 एक आएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दो दो चांसेस यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ना, आर आर की वैल्यू नहीं पूछिए क्वेश्चन नंबर 3 में माय डियर, आर की वैल्यू नहीं पूछिए, आरवां पद ध्यान देना, यहां आरवां पद एक्स से स्वतंत्र बोला गया है, क्या बोला गया है आरवां पद एक्स से स्वतंत्र, हमने बोला एक्स से स्वतंत्र पद, ये जो आर निकल के आ रहा है ये कौन सा आर निकल के आ रहा है कि एक्स से स्वतंत्र पद टी आर प्लस 1 है, तो उसमें आर की वैल्यू आई माय डियर, ठीक है ना, यहां पर बात को समझना धनराज जी, बात को समझने का प्रश्न प्रयास कीजिएगा, आरवां पद एक्स से स्वतंत्र है उसने ये बोला है, और हम यहां बोल रहे हैं कि आर प्लस 1वां पद एक्स से स्वतंत्र है उसके लिए आर का मान 9 आया है, तो एक्स से स्वतंत्र पद का जो क्रमांक है वो तो 10वां ही हुआ माई डियर, इसलिए आंसर इसमें 10 आएगा 9 नहीं आएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गई ये बात, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पर 2 है, तो अब n बराबर 1 से काम नहीं चल रहा है तो n बराबर 2 पर चेक करेंगे, n बराबर 2 पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है और ये आ जाता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां सी जीरो का मान 1 है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यहां पर जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यहां 2 तक मान आएगा 1 स्क्वायर सी 1 प्लस 2 स्क्वायर सी 2, ये मान हमारे पास बनेगा, अब यहां पर सी 1 का मान सी 0 का मान तो 1 है, सी 1 ये है और सी 2 ये है, तो सी 1 का मान तो 2 है, तो 2 ये तो 2 हो जाएगा और सी 2 का मान 1 है तो 4, 2 प्लस 4 6, अब 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में एन बराबर 2 लगाना, ऑप्शन ए में एन बराबर 2 लगाएंगे तो 2 और 1 3 और इंटू 1 3 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, और ऑप्शन डी में चांसेस थे, इसमें एन बराबर 2 लगाते हैं, एन बराबर 2 अगर यहां लगाते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू में 1 यहां से 6 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा, तो समझ में आई बात सब लोगों को अच्छे से, ये लॉजिक समझ में आ गया सारे बच्चों को, और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है ना, लाइव वॉचिंग्स की संख्या बढ़ाओ ना, शेयर करो सारे फ्रेंड्स को, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, चलिएगा अगला सवाल अपन देखें, यहां पर इसका तरीका अगर आप देखना चाहो कॉन्सेप्ट से, तो इसका तरीका जो है डिफरेंशिएशन करके इस तरह से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन काफी लेंथी तरीका ये हो जाता है, तो इस तरीके से अपन को नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहां पर देखें,
क्वेश्चन नंबर पांच में क्या कहना चाह रहा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर पी प्लस क्यू, 1 प्लस एक्स की होल पावर पी प्लस क्यू के प्रसार में एक्स की पावर पी और एक्स की पावर क्यू के गुणांक क्या होंगे। देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में एक्स की पावर आर का जो गुणांक होता है वो एन सी आर होता है, तो यहां एक्स की पावर पी का जो गुणांक है वो होगा पी प्लस क्यू सी पी और एक्स की पावर क्यू का गुणांक होगा पी प्लस क्यू सी क्यू, और ये दोनों मान आपस में क्या होंगे बराबर, दोनों मान आपस में बराबर क्यों होंगे, क्योंकि एन सी आर का मान बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, क्योंकि एन सी आर का मान बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, तो दोनों आपस में यहां पर क्या हो जाएंगे बराबर। 1 प्लस एक्स की पावर पी प्लस क्यू में एक्स की पावर पी और एक्स की पावर क्यू के जो गुणांक हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे माय डियर बराबर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ गई बात यहां तक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, 1 प्लस ए एक्स की होल पावर एन बराबर 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहानी हमको यहां पर दे रहा है, ठीक है ना। सर बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दो फिर सही दिखेगा, बस ये यही करूंगा, बोर्ड की ब्राइटनेस थोड़ा सा, ब्राइटनेस पे ही थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसको सही करवाने का प्रयास मैं यहां पर करूंगा, ठीक है ना। अभी यहां पर कैमरा खुलेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है ना, एक मिनट दो, मुझे दो मिनट दो, मैं चेक करके देखता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है ना, यहाँ पर इसको एक मिनट में चेक करके देखता हूँ, दो मिनट दो, ठीक है ना, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ माय डियर क्या दिख रहा है यहाँ पर, किस तरह का है चीजों को। अब कुछ बड़ा क्या, जरा चेक करके बताना मुझे, अब कुछ सही हुआ क्या माय डियर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। अब कुछ चीजें सही दिख रही है क्या, कुछ फर्क पड़ा माय डियर, जरा बताइएगा आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा फटाफट से, कुछ दिखने लगा आप सही, ठीक है अब, ठीक है ना। ओके माय डियर, हाँ जी अब सही है ना, बिल्कुल अब कलर सही दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन सही दिख रहा है माय डियर, अब सब सब सबको अच्छे से दिख पा रहा है प्रॉपर वे में क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिएगा अब चीजों को यहां पर समझते हैं अपन, तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है माय डियर, ये इस चीज को अपन देखें तो 1 प्लस ए एक्स की होल पावर एन बराबर ये चीज दे रखा है। अब एक बात समझो, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन ए एक्स की होल पावर एन इजिकल टू 1 प्लस एन ए एक्स होता है, इजिकल टू हमारे पास क्या होता है 1 प्लस एन ए एक्स, ये मान इससे गुणा होता है पहले और फिर डॉट 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 आता है, तो एन ए का मान यहां पर 8 दिया हुआ है, तो एन ए का मान 8 इस ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन में भी एन ए का मान 8 नहीं आ रहा है, इन दोनों ऑप्शनों को तो यहां से हटा दीजिएगा। और अगली जो टर्म हमारे पास आती है, नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो आती है n इंटू एन माइनस वन बटे दो ए एक्स का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आती है वो क्या आती है माय डियर n इंटू एन माइनस वन बटे दो ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जरा a बराबर दो लेकर के देखें और n बराबर चार, इस ऑप्शन में जरा चेक करें पहले,
या पहले इसमें चेक कर लेता हूं मैं, इस वाले ऑप्शन में अगर चेक करूं सेकंड टर्म को तो 2 इंटू 2 माइनस 1 एक हो जाएगा बटे 2, और ए स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यहां से 16 मान आ रहा है जबकि 24 है, तो डी ऑप्शन भी यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। और इसमें अगर चेक करोगे एन का मान 4, 4 से 1 कम 3 बटे 2 और इंटू ए का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है ना। तो यहां से अपन को दिखाई दे रहा है 2 से 4 कट गया, 2 बार 4 12 दूनी 24, तो ये मामला यहां पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ये मामला यहां पर बिल्कुल सटीक यहां पर बैठ रहा है। तो 1 प्लस ए एक्स की होल पावर एन बराबर 1 प्लस 8 एक्स प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 है, तो ए का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, आर यू गेटिंग ऑल। तो उस कंडीशन में ए का मान होगा 2 और एन बराबर होगा यहां पर 4, सही है बात, समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से, चलिएगा बहुत अच्छी बात। अब अगला क्वेश्चन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। ये चीज आपको यहां पर सॉल्यूशन इस तरह से आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से ये अभी मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक, अब इसका आंसर फटाफट से आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, एक्स से स्वतंत्र पद कैसे निकाला जाता है, एक्स से स्वतंत्र पद निकालने का लॉजिक हमारे पास क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स से स्वतंत्र पद निकालने का जो लॉजिक हमारे पास होता है, एक्स से स्वतंत्र पद निकालने का लॉजिक हमारे पास क्या हो सकता है, इस चीज को अपन यहां पर देखने का प्रयास करें, इस चीज को अपन लोग समझने का प्रयास करें। तो यहां पर देखो ये है 1/2 एक्स की पावर 1/3 और इसको 1 बटे में ले जाऊं एक्स की पावर 1/5 और होल पावर में 8, तो आर बराबर अभी आपको बताया था मैंने ये जो मान है ये इससे गुणा होगा 8 इंटू 1/3 और बटे में ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों का जोड़ आएगा 1/3 प्लस 1/5, तो 15 से अपन ऊपर गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा 5 बचेगा 8 पंच 40 और 5 प्लस 3 यहां पर आ जाएगा 8, तो R का मान आएगा 5 और R का मान 5 आएगा तो स्वतंत्र पद जो होगा X से स्वतंत्र पद हो जाएगा T6, X से स्वतंत्र पद यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर T6 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई सब लोगों को अच्छे से, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। देखो आंसर्स लगाने का प्रयास आप जब करोगे तो चीजें आपको याद होंगी और चीजें जब याद होंगी परमानेंट मेमोरी में हमारे पहुंचेंगी, तो वही चीज तो हम चाहते हैं कि चीजें हमारे परमानेंट मेमोरी में पहुंचे और अच्छे से चीजें अपने को याद हो जाएं, वही तो हम लोग यहां पर चाहते हैं माय डियर, ठीक है ना। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को ये बात समझ में आई अच्छे से, चलिएगा अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ये यहां पर क्या कहना चाह रहा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 28, 56 और 70 हैं, 3 क्रमागत पदों के अनुपात जो हैं 28 है 56 है और 70 है, तो n का मान क्या होगा। अब इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, इसमें ऑप्शन से करने में थोड़ा सा मुसीबत है, यहां पर अपन को लॉजिक आएगा। 3 क्रमागत पद हमने यहां पर लिए, ठीक है ना, 3 क्रमागत पदों के गुणांक, तीन क्रमागत पदों के गुणांक हमने ले लिए, ये NCR माइनस 1, तीन क्रमागत पद कौन कौन से ले लिए, हमने TR ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट TR प्लस 1 ले लेते हैं और नेक्स्ट TR प्लस 2 ले लेते हैं, तो TR में Rवे पद में जो हमारे पास गुणांक आएगा ये NCR माइनस 1 आएगा, इसमें जो गुणांक आएगा वो NCR आएगा और ये जो गुणांक आएगा NCR प्लस 1 आएगा, और इन सबके मान अपन को यहां पर दे रहे हैं। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मूला बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मूला बताए ना माय डियर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया तो था इसका फॉर्मूला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आपने नोट नहीं किया शायद, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फॉर्मूला बताया था गौतम जी, ठीक है ना, ए एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर बीटा होल पावर एन, इसमें अगर x से स्वतंत्र पद हम देखना चाहते हैं तो x से स्वतंत्र पद टी आर प्लस 1 है, तो उसके लिए r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n अल्फा बटे अल्फा प्लस बीटा, मतलब पावर को इस x की पावर से गुणा करना है जो पॉजिटिव वाली पावर है जो ऊपर है, और बटे में इन दोनों का, दोनों x की पावरों का जोड़ लिखना है,
ओके माय डियर, चलिएगा नेक्स्ट। धनराज जी अब सही दिख रहे हैं ना क्वेश्चन माय डियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपन देखें तो यहां एनसीआर माइनस 1 का मान कितना दिया है हमें 28, ये मान कितना दिया है हमें 56 और ये मान कितना दिया है हमें 70। तो एक बार एनसीआर में एनसीआर माइनस 1 का भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे 56/28 2, और इसका मान लिखना मैंने सिखाया था अभी, नीचे नीचे वालों का अंतर नीचे छोटा वाला होना चाहिए, तो इनका अंतर हमारे पास क्या आएगा n माइनस आर प्लस 1 बटे में ऊपर वाला r आएगा और बराबर 2। एक समीकरण तो यहां से n और r में बना लो आप, तो यहां से समीकरण बनेगी n माइनस आर प्लस 1 बराबर 2r, और इधर ले आएंगे तो n माइनस 3r प्लस 1 इजिकल टू 0। एक समीकरण तो हमारे पास ये बन गई। दूसरी समीकरण बनाने के लिए इसमें इसका भाग दे दो, एन सी आर प्लस 1 में एन सी आर का भाग देंगे तो 70/56 और ये मान आएगा हमारे पास n माइनस आर बटे आर प्लस 1, नीचे वालों का अंतर n माइनस आर बटे में ऊपर से r प्लस 1 आ जाएगा, 14/5 = 70 और 14 × 4 = 56, तो ये आ जाएगा 4n माइनस 4r इजिकल टू 5r प्लस 5, और इधर अगर लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n माइनस 9r माइनस के 5 इजिकल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम n और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं तो 3n माइनस 9r प्लस 3 इजिकल टू 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो n माइनस 8 इजिकल टू 0 हो जाएगा, और n माइनस 8 इजिकल टू 0, तो n का मान यहाँ पर निकल करके आ जाएगा माई डियर 8। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल करके आ जाएगी, 8 निकल करके आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या चाहता है माई डियर, इसको जरा समझने का प्रयास हम लोग यहां पर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोगों से क्या चाहता है, इस बात को हम लोग यहां पर देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पदों की संख्या निकालनी है, x प्लस 3y का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस y का होल स्क्वायर, होल पावर 3 में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात समझना, मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xr, r पद यहां है और इसकी पावर n हमारे पास है, और इसमें हमें पदों की संख्या चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए माय डियर, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का जो लॉजिक होता है, n प्लस ये कितने मान है, यहां पे ये मान है हमारे पास r, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसका सूत्र यहां पर होगा, इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे पदों की संख्या का, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां पर देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 3y इंटू 3x माइनस y, और दोनों की पावर 2 है तो होल पावर 2 कर देंगे और होल पावर में 3 है तो इस पूरे की पावर 6 हो जाएगी, ये इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9xy माइनस के 3y स्क्वायर, होल पावर में आएगा माय डियर 6। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो रहा है 3x स्क्वायर प्लस के 8xy और माइनस के 3y स्क्वायर होल पावर में 6। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, इसके अंदर पदों की संख्या हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ n बराबर कितना है, इस फॉर्मूले में अगर देखें तो n इजिकल टू है 6, r का मान है 3, यहाँ ये सारी टर्म अलग अलग तरह की होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब इनके मल्टीप्लाई होने पर ये एड वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाती है, ठीक है ना माई डियर। तो यहां पर इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। अब n बराबर 6 है, r बराबर 3 है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, 6 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 6 और 3 8 में से 1 जाएगा तो 7 सी 2, और 7 सी 2 का मान आ जाएगा 7 इंटू 6 बटे 2, 7 6 की 42 बटे 2,
एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, शायद कुछ गड़बड़ यहां पर कर दी है। 6 प्लस 3 ये 8 आएगा, सॉरी यहां कितना है, 6 और 3 9 में से एक जाएगा तो 8, सी 2, और ये हो जाएगा 8, 8 से एक कम 7 बटे 2, 8 7 56 बटे 2, तो 56 बटे 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 28। तो यहां पदों की संख्या जो निकल करके आएगी, ठीक है ना सर, ये बेगर फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल हाँ भाई, ठीक है ना, बेगर फॉर्मूला ही है ये, ठीक है ना, भिखारी मेथड ही है ये, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, उस समय खूब एक्सप्लेन किए थ्योरी के अंदर। अभी अपन यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, उन चीजों को अपन लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इन सेशंस से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा और चीजें भी आपको याद हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद हो रहे होंगे, फॉर्मूले आपको याद हो रहे होंगे, क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को पता चल रहा होगा। सर आर कैसे आया, समझ नहीं आया, आर का मतलब है माय डियर जो ब्रैकेट में लिखे हुए ने, कितने पद हैं, 1 2 3, ये एक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन पद हैं यहाँ पर, तो ये आर का मान हो गया 3, ठीक है ना निशा जी। ओके जी, समझ में आ गई बात सबको, चलिए आगे चले अपन, नेक्स्ट बात देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 को जरा बताएं हम लोग, व्हाट इज दिस, यहां पर इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये किसका मान है। यहां पर देखो जरा ध्यान से देखा जाए, डॉट 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 इन्फिनिटी चल रहा है, तो ये जो मान है ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 का मान है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये किसका मान है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 का एक्सपेंशन है ये हमारे पास, क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव 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 आ रही है, तो ये दोनों के चिन्ह सेम होने चाहिए, तो ये गड़बड़ है, ठीक है ना, दोनों के चिन्ह सेम होने चाहिए और इसकी होल पावर में फिर 3, ठीक है ना, तो दोनों के चिन्ह सेम, तो यहाँ तो यहाँ आने चांस नहीं है, यहाँ इन दोनों में आने के चांसेज हैं, तो ये माइनस एक, तो यहाँ पे देखो एन, 1 प्लस एन एक्स होता है, यहाँ 1 प्लस एन एक्स होता है, तो एन का मान कितना दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, एन का मान कितना दिख रहा है, 1/3, क्योंकि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में जब देखते हैं तो 1 प्लस एन एक्स दिखाई देता है, सबसे पहले यही हमें एन का मान मिल जाता है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक ये यहाँ पर आ जाता है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाता है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके माय डियर, सभी को बात क्लियर हो गई यहां तक, तो शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, उनको कनेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर भेजें आप लोग चीजों को, ठीक है ना, सभी टेलीग्राम ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सभी को शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप लोग लेकर के आए अपने साथ, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखने का प्रयास करें। अब देखो एन वाले सवाल, अब एन वाले सवालों की ट्रिक आप लोगों ने जानी है, समझी है खूब, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, अब ट्रिक को इस्तेमाल करना भी आनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करो, लाइव सेशंस में फटाफट से स्पीडली अपने आंसर्स को निकालने का प्रयास करें, ये लाइव टेस्ट है आप लोगों का, पर डे टॉपिक का लाइव टेस्ट यहाँ पर चल रहा है एक तरह से अपन का, और लाइव टेस्ट मान करके आप तैयारी करके चीजों को अच्छे से दोगे, क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे, तो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी अगर आप चाहते हो कि अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अटेम्प्ट हो, स्पीड बने हमारी, तो आपको यहाँ आंसर्स देना जरूरी है, यहाँ को पता लगेगा कितनी जल्दी आप आंसर्स दे पा रहे हैं। हाँ जी भाई, चलें बढ़े आगे बात को। अब देखो यहां पर n बराबर ले लें अपन 2, n बराबर 2 अगर ले लें तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और r का मान कितना ले लूं, 0 ले लूं, r बराबर 0 ले लूं, n बराबर 2 ले लूं, तो ये कितना हो गया c0, ठीक है, और आर का मान 0, c0 का स्क्वायर, ये c1 का स्क्वायर और ये c2 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा cn के स्क्वायर में,
अब यहां पे सी जीरो का मान कितना है, वन, सी जीरो सी वन कितना है, दो, और सी टू कितना है, एक। तो यह आ जाएगा वन प्लस चार प्लस एक, छह आना चाहिए। अब किस ऑप्शन में ये आ रहा है हमारे पास, ये हमें यहां पर देखना है, किस ऑप्शन से ये वैल्यूज हमें यहां पर मिल सकती है, जरा चेक कर लो। एन बराबर दो तो चार फैक्टोरियल हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, मतलब दो फैक्टोरियल का स्क्वायर, दो फैक्टोरियल मतलब दो का स्क्वायर, चार बटे चार एक आ जाएगा। ये तो गलत कर दो, ये दो दूनी, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, दो दूनी चार फैक्टोरियल है, ये चार फैक्टोरियल मतलब चौबीस, और ये दो का फैक्टोरियल चार बनेगा, छः आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, ये छः आ रहा है, इसके सही होने के चांसेज हैं। और ऑप्शनों को जरा चेक करो, ये भी ऊपर तो चौबीस बनेगा, नीचे दो फैक्टोरियल दो, और ये भी दो फैक्टोरियल दो, इसमें भी छः आ रहा है, ये भी गड़बड़ कर गया। तो ठीक है, तो यहाँ आर बराबर, आर का मान चेंज करके देख लो फिर, आर बराबर एक ले लें, आर बराबर अगर एक लें अपन, आर की वैल्यू कितनी लें, वन, तो आर का मान वन लेंगे, तो ये आएगा सी जीरो सी वन, प्लस ये आएगा सी वन सी टू, और फिर ये आएगा सी टू, ठीक है ना, और आर का मान अपन ने वन लिया है, तो एन माइनस आर तक ही सी जीरो सी वन प्लस सी वन सी टू, यही बनेगा बस, ये सी टू पे खत्म हो जाएगा, एन बराबर सी टू पे। तो सी जीरो सी वन कितना आ रहा है, सी जीरो सी वन करेंगे तो दो आएगा, और सी वन सी टू करेंगे तो दो आएगा, चार आना चाहिए। इस पे जरा चेक करो, इसमें कौन कौन से गड़बड़ हो रहे हैं, यहाँ पे अपन जरा चेक करें, आर बराबर एक लेंगे तो ऊपर तो चौबीस ही है, और नीचे एन का मान दो लगाया है, तो दो में से एक गए तो एक हो गया, दो प्लस एक तीन, दो प्लस एक तीन का फैक्टोरियल कितना हो गया, छः, यहाँ से आ रहा है मामला सही है अभी, तो यहाँ पे चार का फैक्टोरियल चौबीस, और एन का मान दो है, दो का फैक्टोरियल तो दो आएगा, और दो प्लस एक तीन, तीन का फैक्टोरियल कितना आएगा, छः, तीन का फैक्टोरियल छः, तो छः दूनी यहाँ पे दो आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना, ये ऊपर तो चौबीस है, नीचे हो गया दो, और दो माइनस एक एक हो गया, यहाँ से आ रहा है बारह, तो ये भी गलत हो गया, और ये चौबीस, नीचे दो माइनस एक, दो माइनस एक तो अपना हो जाएगा एक, और ये दो प्लस एक तीन बनेगा, ठीक है ना, दो प्लस एक कितना बनेगा, दो दूनी चार, चार का फैक्टोरियल हो गया चौबीस, दो में से एक गया एक, दो प्लस एक तीन, तीन का फैक्टोरियल छः, यहाँ से भी आने का चांसेज है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी जब बन गया तो कोई दिक्कत, इन दोनों में से और छांटना है अपन को, आर बराबर जीरो, आर बराबर एक, आर बराबर दो ले लें, तो आर बराबर अगर दो ले लेंगे तो सी जीरो और सी टू यही बनेगा केवल, आर बराबर दो ले लिया तो एक ही टर्म बनेगी सी जीरो सी टू, आगे तो बढ़ेगी नहीं, और सी जीरो सी टू का मान कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। आर बराबर दो पर वन किस में आ रहा है जरा चेक करो, इसमें आ रहा है कि आर बराबर चौबीस, और नीचे आर बराबर दो लिया है, दो माइनस दो जीरो, दो माइनस आर का मान दो है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, इसके अंदर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर मामला आना चाहिए, और एन बराबर दो पे ये तो मामला सेट हो ही रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट, यहां पर ये नीचे जीरो से गड़बड़ हो रही है शायद, ठीक है ना, जीरो से गड़बड़ हो रही है, तो एन बराबर दो पे मत चेक करो, यहां पे अपन के पास दो ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना, तो अब इसको एन बराबर तीन पे चेक कर लो, एन बराबर क्या ले लो आप, तीन ले लो, एन बराबर तीन से भी इसको क्या कर सकते हैं अपन, चेक कर सकते हैं, एन बराबर तीन पर इसको चेक कर लिया जाए, एन बराबर तीन पर अगर इसको चेक कर लेंगे अपन तो हमारे पास कितना मिलेगा जरा देख लें, वन प्लस एक्स का होल क्यूब अगर लें तो वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, और एन बराबर थ्री पर आर बराबर ले लो जीरो, एन बराबर थ्री पर अपन लें और आर बराबर ले लें जीरो, तो कितना बनेगा हमारे पास सी जीरो, सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा वन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस वन, नौ और नौ अठारह और दो बीस। अब एन का मान तीन यहां पर अपन लगाए तो तीन दूनी छः का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, छः का फैक्टोरियल हो जाएगा सात सौ बीस, और तीन में से एक गया दो, दो का फैक्टोरियल दो, तीन और एक चार का फैक्टोरियल चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस,
ठीक है, 48 का भाग देने पर यहां से आंसर 20 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आर बराबर जीरो पर, हाँ वैसे भी सही है, तो आर बराबर जीरो पर ऑप्शन डी यहां पर गलत हो रहा है, बिल्कुल। हाँ धनराज जी, आपके कमेंट देख नहीं पाया, हो सकता है उसमें आर बराबर जीरो पर अपन ने नीचे ये ढंग से चेक नहीं कर पाए हो, आर बराबर जीरो पर ऑप्शन डी एन बराबर दो पर भी सही आ रहा होगा। ठीक है ना, कभी कभी कैलकुलेशंस पे ध्यान हो जाता है, तो ये कैलकुलेशंस पे ही अपन को क्या करना है, सही पकड़ बनानी है, जब कैलकुलेशन पे सही पकड़ बनेगी तो चीजों को अपन कर पाएंगे। ठीक है ना, ये चीजें अपन को यहाँ पे देखनी है, तो r बराबर जीरो पर अगर ऑप्शन डी गलत, n बराबर दो और r बराबर जीरो लेने पर ये जो मान है गलत हो रहा है, तो ऑप्शन ए वहां से भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अब यहां पर जरा ध्यान दें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोगों को समझ आ गया माय डियर, एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चों का क्लियर था, सारे लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज देयर एनी तकलीफ टू एनीवन, किसी बच्चे को कोई समस्या वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये कह रहा है एक्स प्लस ए की होल पावर एन के प्रसार में सभी विषम पदों का योग तो ए है और सभी सम पदों का योग B है। अब यहां पर ध्यान दो, x प्लस ए की होल पावर n या x माइनस ए की होल पावर 2n को जब खोलते हैं अपन, x माइनस ए की होल पावर n को जब खोलते हैं, एन सी जीरो, ठीक है ना, और समथिंग यहां पर आएगा माइनस एन सी वन, इसमें सम पद वाले जो मान हैं वो माइनस में आएंगे और विषम पद वाले जो है वो प्लस में आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि x प्लस ए की होल पावर n में तो सारे पद पॉजिटिव ही है, तो ये तो a प्लस भी बनेगा, और x माइनस ए की होल पावर n जो है ये बनेगा विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, सम वाले पदों का योग माइनस में लिखा जाएगा, ये a माइनस भी बनेगा। अब यहां पर इसका जो मान है x प्लस ए की होल पावर 2n, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपन को मान चाहिए x प्लस ए की होल पावर 2n मतलब इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर 2n मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4ab, सॉल्व करने पर ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4ab के बराबर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके माय डियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये यहां पर क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से हम लोग निकालने का प्रयास करें। अब देखो इसमें जो लॉजिक है इसको अपन तरीके से ही सिस्टम से बहुत जल्दी कर सकते हैं, एन सी वन बटे एन सी जीरो, मैंने बताया था n माइनस जीरो एन आएगा, बटे में ऊपर वाला, इसकी जो वैल्यू आएगी वो n बटे वन, वन प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी n माइनस वन बटे दो, एन सी वन है ना तो n में से घटेगा n माइनस वन बटे दो। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन सी आर बटे एन सी आर माइनस वन बराबर n माइनस आर प्लस वन, इन दोनों का अंतर बटे ऊपर वाला, इस लॉजिक को यहाँ पर काम ले रहे हैं, ठीक है ना, और डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा वन प्लस वन बटे एन, ये चीज आएगी, तो ये वन प्लस एन बटे वन, ये हमारे पास आएगा वन प्लस एन बटे दो, फिर डॉट 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 ये आएगा वन प्लस एन बटे एन, तो वन प्लस एन की पावर कितनी हो जाएगी एन, और एक से लेकर एन तक का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे सीधे ऑप्शन सी इसका आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग माय डियर, सभी को ये बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, वन प्लस एक्स की होल पावर एन बराबर सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सी एन एक्स की पावर एन है, तो इस तरह से ये मामला हमारे पास चलेगा। ठीक है भाई माय डियर, चलिएगा अगला सवाल यहां पर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक्स की सम घातों के गुणांकों का योग कितना आएगा,
चलिएगा, इस सवाल का आंसर बताएं जल्दी से, फटाफट से, समघातों के गुणांकों का योग यहां पर कितना आएगा? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 5 के प्रसार में एक्स की समघातों के गुणांकों का योग कितना है, ये हमें यहां पर चाहिए। नन ऑफ दीज में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि नन ऑफ दीज में रख तो सकते हैं, आंसर तो मिल जाता है, नन ऑफ दीज में जनरली नन ऑफ दीज आंसर होता नहीं है, 99% कुछ ही केसों में नन ऑफ दीज उनमें आंसर होता है, तो एन की वैल्यू रख करके अपन रिस्क ले सकते हैं उन सवालों में, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल का आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर डालें, आप लोग इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, फटाफट से जल्दी से अपना अपना आंसर निकालिए सभी लोग जल्दी से, जब तक मैं मेरा दूध खत्म कर देता हूं, एनर्जी आ जाए थोड़ी सी मेरे को। फटाफट से आंसर निकालिए जल्दी से इसका, क्या आंसर आप लोग इसका लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए सब लोग। करिए भाई फटाफट फटाफट, क्या तरीका इस सवाल का हो सकता है? देखो इन सवालों को जब अपन करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 5, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आएगी, फिर ए वन एक्स आएगा, फिर ए टू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ए थ्री एक्स क्यूब आएगा, फिर ए फोर एक्स की पावर 4 आएगा। तो हमें यहां पर क्या पूछा है, समघातों के x की समघातों के गुणांकों का योग, समघातें कौन सी हैं, ये इनके गुणांकों का योग हमें निकालना है, a0 plus a2 plus a4 plus dot 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 इनका जो मान है, ये मान हमें यहां पर चाहिए, हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है a0 plus a2 plus a4 plus dot dot dot, ये मान हमें यहां पर चाहिए x की वैल्यू रख करके। बिल्कुल सही है, इसमें एक बार तो x is equal to रख दो, कितना 1 लगा दें, x इज इक्वल टू अगर 1 यहां पर लगा दें तो 1 प्लस 1 ये सारे मान 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 की घात 5 हो जाएगा ये, और ये सब का जोड़ आ जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट डॉट डॉट, और फिर एक बार x का मान लगा दो माइनस 1, x का मान माइनस 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, और x का मान माइनस 1 लगाने पर ये विषम वाले सारे माइनस हो जाएंगे, ए वन माइनस ए जीरो माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए फोर माइन डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 4 की घात 5 का मतलब हो जाता है 2 की घात 10, 4 की घात 5 का मतलब 2 की घात 10, इन दोनों को जोड़ने पर विषम वाले कट गए, बराबर में 2 इंटू ए जीरो प्लस ए वन प्लस डॉट डॉट ए जीरो प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट, ये आएगा 2 बटे में ले जाओ तो 2 की घात 9 यहां पर इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर जो यहां पर निकल करके आएगा, इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा माय डियर, 2 की घात 9 आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 5 के प्रसार में एक्स की समघातों के गुणांकों का योग किसके बराबर आ जाएगा माय डियर, 2 की घात 9 के बराबर आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग, समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से, बताइए जी सबको क्लियर है यहां तक, सबको अच्छे से क्लियर है बातें यहां तक, चलिएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने पेश किया जाता है और उस सवाल का आंसर आप लोग यहां पर निकालेंगे फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर लिखें जल्दी से, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डॉट 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 x माइनस 18 के विस्तार में x की घात 17 का गुणांक कितना होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 18 के विस्तार में x की घात 17 का गुणांक क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाफट से, फटाफट फटाफट जल्दी से
इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग। महादेव जी का मैस का आंसर आया है सी। बीएल कुमार जी का -171, ऑप्शन में माइनस वाला एक ही ऑप्शन है। बिल्कुल माय डियर आयुष जी, बिल्कुल सही अप्रोच। बस इस तरह के आंसर ही हमारे आने चाहिए आयुष। आयुष जी बहुत बढ़िया अप्रोच अपन की। यहां पर देखो x की घात 17 कैसे आएगी, टोटल 18 टर्म है, तो टोटल 18 टर्म है तो x की घात 17 आने के लिए 17 पदों में से तो x लेने पड़ेंगे। पहले इन 17 पदों में से हमने x लिया, x x x x की घात 17, और इधर से माइनस एक ले लू, माइनस एक से गुणा करें तो माइनस x की घात 17, और x की घात 17 आने का चांसेस क्या है, दूसरे में से -2 लें बाकी सब में से x लें तो -2x की घात 17, फिर आएगा -3x की घात 17 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा -18x की घात 17। तो ये सारे गुणांक नेगेटिव ही आ रहे हैं हमारे पास, सारे गुणांक हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो x की घात 17 का जो गुणांक आना है वो नेगेटिव आना है, और नेगेटिव में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, नेगेटिव में हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी हो जाएगा, -171 इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। माय डियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ गया, पकड़ में आ गया सभी को लॉजिक इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 15 का लॉजिक सारे बच्चे समझ गए अच्छे से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाएं फटाफट से। 1+x^15 के प्रसार में 2r+3 बे तथा आर माइनस वन बे पदों के गुणांक बराबर हैं, तो आर का मान कितना होगा, तो आर का मान यहां पर कितना होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से। अगर दो ऑप्शन होते तो करना पड़ता माय डियर, दो ऑप्शन तो जोड़ लो सबको। दो ऑप्शन अगर नेगेटिव होते तो यहां पे एक्स की पावर 17 का जो गुणांक बनता है -1 कॉमन लेने के बाद -1+2+3 डॉट 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 +18, और 1 से 18 तक का जोड़ होता है 18 × 19/2, 2 से कट गया 18 9 बार, तो आंसर आ गया -171। ये लो वैसे समझ लो। ओके धनराज जी, दो ऑप्शन हो चार ऑप्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे ये मैंने यहाँ पे करके बता रखा था, सॉल्यूशन में यहाँ पे कर रखा था, पीडीएफ के अंदर आपको ये मिल जाता, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताएं मुझे, क्या आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। हाँ जी, 2r+3 वे पद का गुणांक। अब 2r+3 वे पद के जो गुणांक हैं, यहां पे देखो tr+1 का जो गुणांक होता है, हमने बताया था 1+x^n में r+1 वे पद का गुणांक होता है ncr, 2r+3 पद में जो गुणांक होगा वो nc 2r+2 होगा, और ये बराबर है ncr-2 के। r-1 वे पद में जो गुणांक होगा वो ncr-2 होगा। यहां पर एक लॉजिक आपको ध्यान देना है, NcX = NcY है, तो X+Y = किसके होता है, N के होता है। NcX का मान NcY के बराबर अगर है तो X+Y = N के होता है यहां पर, और यहां N का मान 15 दिया है, तो दोनों का जोड़ 2r और 1r 3r, 2 तो कट जाएगा बराबर 15, तो R की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी माय डियर, 5। R का मान उसने यहां पर पूछा है,
तो आर का मान यहां पर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए जी। क्वेश्चन नंबर 17 में अपना आंसर लगाएं आप लोग, 1+3√2x की होल पावर 9 प्लस 1-3√2x की होल पावर 9 के विस्तार में सरलीकरण के पश्चात अशून्य पदों की संख्या कितनी है, सरलीकरण के बाद पदों की संख्या जो है वो कितनी आएगी। इसको जोड़ेंगे, इसका मान निकालेंगे 1+3√2x की होल पावर 9 का, 1-3√2x की होल पावर 9 का मान निकालेंगे, ठीक है ना, आपस में टर्म को जोड़ा घटाई करेंगे तो टोटल कितने पद आएंगे, ठीक है ना, इसमें टोटल 10 पद आएंगे, इसमें भी 10 पद आएंगे, लेकिन इसमें 5 पॉजिटिव आएंगे और 5 नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना, और ये जो 5 नेगेटिव हैं वो इसके 5 नेगेटिव पदों को काट देंगे और इसके बचे हुए 5 पॉजिटिव इन 5 पॉजिटिव वो 5 पॉजिटिव में ही जुड़ जाएंगे, सेम टर्म होंगी वो डबल हो जाएंगी जुड़ करके, तो टोटल पद हमारे पास जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 5 बचेंगी, मतलब 1+3√2x की होल पावर 9 प्लस 1-3√2x की होल पावर 9 को सरल करने के पश्चात टोटल जो पदों की संख्या हमारे पास बचेगी, अशून्य पदों की संख्या हमारे पास बचेगी, वो कितनी बचेगी माय डियर, 5 बचेगी। समझ में आ गई बात सब लोगों को, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई तरह की दिक्कत हो, कोई तरह की आपत्ति हो तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2α(x+1) की होल पावर 51, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2α(x+1) की होल पावर 51 के विस्तार में गुणांकों का योग शून्य है, गुणांकों का योग शून्य है, सर टेन बचेगी, टेन नहीं बचेगी माय डियर, क्योंकि जो इधर से जो 5 टर्म बचेंगी, इसमें से इसकी 5 टर्म, इसकी 5 टर्म को काट दी, अब इसकी 5 टर्म और इसकी 5 टर्म वो 10 टर्म नहीं होंगी, इसकी 5 टर्म, इसकी 5 टर्म में ही प्लस हो जाएंगी, जैसे इसमें x वाला पद, इसमें x स्क्वायर वाला पद इसके x स्क्वायर वाले पद में जुड़ जाएगा, इसमें x की पावर 4 वाला पद इसमें x की पावर 4 वाले पद में जुड़ जाएगा, तो वो दो दो काउंट नहीं होंगे, वो एक एक ही काउंट होगी टर्म, ठीक है माय डियर धनराज, बात समझ में आ गई अपन को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस सवाल का आंसर निकालें माय डियर, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2α(x+1) की होल पावर विस्तार प्लस 1 की होल पावर 51 के विस्तार में गुणांकों का योग शून्य है, सारे गुणांकों का योग शून्य, गुणांकों का योग जो आता है, गुणांकों का योग x=1 रखने पर आता है माय डियर, गुणांकों का योग कैसे आता है x=1 रखने पर, x का मान 1 लगाएंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर -2α(+1) की होल पावर 51, ये इसके विस्तार में सभी गुणांकों का योग है और ये मान किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, ये हो गया अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर होल पावर में 51 बराबर 0 है, तो ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, राजेंद्र जाट जी का आंसर आया बहुत बढ़िया माय डियर, ठीक है ना, आयुष दीक्षित जी बहुत बढ़िया, बस ये एनर्जी, ये इंटरेस्ट, ये लगन हमारी बनी रहेगी और ये जो लगन है ना यही हमें और लोगों से आगे लेकर के जाएगी, ये सीखने का इंटरेस्ट यही हम लोगों को आगे लेकर के जाएगा माय डियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य पद निकालना सीखें अपन, इसके प्रसार में इसके विस्तार में मध्य पद क्या होगा, ठीक है ना, लगभग हर तरह के सवाल यहां पर लिए गए ताकि पूरा टॉपिक आपका जो है वो रिवाइज हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद आ जाए एक बार और आपको लगे कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक्स हम लोग जानते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हो रहे होंगे चीजों को, इस सीरीज को जो बच्चा अच्छे से देख रहा है स्पीड बढ़ा बढ़ा के नहीं देखनी है, बस ये ध्यान करना है, ठीक है ना,
निकाल निकाल करके देखोगे, लाइव में देखने का मतलब यही है बस, उसका फायदा ये हम निकाल नहीं पाते और हर चीज को अच्छे से सुन पाते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पढ़ते समय कोई भी लॉजिक ऐसा आ जाता है, कोई भी बात हम ऐसी बोल सकते हैं जो आपके बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो हर चीज को सुनना, अच्छे से सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा सीखने के लिए हमें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, और जब तक हम अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तब तक हम अच्छी बातें नहीं सीख सकते माय डियर, ठीक है ना। चलिएगा, तो मध्य पद, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल पद नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहां पर 11, एन में एक जोड़ दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, पदों की संख्या विषम है, तो मध्य पद एक ही आएगा। मध्य पद कौन सा आएगा, 11 प्लस 1 बटे 2, T6 हो जाएगा। अब T6 इसमें निकाल दो, T6 हो जाएगा 10C5, एक कम आएगा, 2x² बटे 3 की घात आएगी 5, और 3/2x² की घात, 10 में से 5 जाएगी तो ये भी 5 आएगा, 3 और 2 तो कट जाएंगे, x² भी कट जाएगा, 10C5 हमारे पास बचेगा, इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। tan C5 का मान जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, और tan C5 का मान अगर निकालेंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा 252, 252 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका यहाँ पर निकल जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर देखा जाए, ये लॉजिक जो है इसको यहां पर समझा जाए माय डियर। एक्स की घात 1/5 प्लस वाई की घात 1/5, एक्स की घात 1/5 प्लस वाई की घात 1/10 होल पावर 55। एक्स की घात 1/5 है प्लस वाई की घात 1/10 है और होल पावर में 55 है, तो कितने पदों में चर की घात भिन्नात्मक नहीं है, ऐसे कितने पद हैं जिनमें एक्स की घात और वाई की घात जो है वो बटे में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है। एक्स की घात और वाई की घात जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी आर प्लस वन अगर यहाँ पर लिखा जाए तो क्या लिखोगे माय डियर, 55 सी आर, ठीक है ना। इधर ही दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट से हो जाएगा। इस तरह के सवालों का जो लॉजिक होता है, यहाँ पे टी आर प्लस वन अगर आप लिखोगे तो इस तरह से आपके पास लिखने में आएगा, x की पावर हमारे पास ये बनेगी और y की पावर ये बनेगी। अब r के ऐसे मान देखने हैं जिन पर ये मान भी एक इंटेजर आए और ये भी इंटेजर आए, तो इसके लिए r का मान जो है वो 10 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। r के मान क्या लेने पड़ेंगे हमें, 10 के मल्टीपल में जिन ऐसे मान लेने पड़ेंगे कि उन r के मानों को 55 में से घटाने पर 5 का भाग दें तो इंटेजर आए, और r में 10 का भाग दें तो माय फर्स्ट क्लास समझ आएगा या नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा माय डियर, समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम किस उद्देश्य के साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, किस साइकोलॉजी के साथ हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। अगर हम ये सोचकर अटेंड करें कि हमें कुछ सीखना है तो डेफिनेटली बातें हमारे समझ में आएगी, और केवल वैसे ही देखना है तो उस हिसाब से बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। डिपेंड करता है हमारे मन की सोच किस तरह की माय डियर। तो आर के जो मान है वो 10 के मल्टीपल के रूप में लेने पड़ेंगे, तभी 10 का भाग जाएगा उनमें, तो आर के मान, और 10 के मल्टीपल जब लेंगे तो उनमें 5 का भाग भी चला जाएगा, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये आर के मान होंगे। तो कितने आर के मान है, ये 6 आर के मान यहाँ पर पॉसिबल है। तो 6 पद ऐसे होंगे यहाँ पर जिनमें चरों की घात जो है वो भिन्नात्मक नहीं होगी। समझ में आ गई माय डियर ये सवाल सभी को। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका लॉजिक आपको बताया था। अब जो बच्चे लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं, तो उनको बातें यहां पर समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है ना। सर कॉलेज के मैटर पर भी क्लास, बिल्कुल कॉलेज के मैटर भी क्लास लेके आएंगे, बिल्कुल लाइक तो कर दिया करो माई डियर सभी लोग, ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था n प्लस आर माइनस, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, या n का मान तो n है, यहां r की वैल्यू कितनी है, ये 1, 2, 3, 4 है, तो r बराबर यहां 4 हो जाएगा, r बराबर 4 हो जाएगा, तो ये n प्लस 3 c 3 हो जाएगा,
और n प्लस तीन सी तीन जब यहां पर हो जाएगा तो इसका मान कैसे निकलेगा माय डियर, तीन मान है तो यहां n प्लस तीन से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते जाओ, n प्लस दो, फिर n प्लस एक, और नीचे तीन का फैक्टोरियल आ जाएगा छह, n प्लस दो, n प्लस एक, n प्लस दो, n प्लस तीन बटे छह, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर आएगा माय डियर, ए नहीं आएगा। ओके दीपाली गुप्ता जी, सुनील वैष्णव जी, ए ऑप्शन क्यों आंसर लगा रहे हैं, ए नहीं आएगा माय डियर, डी बी ऑप्शन यहां पर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, चार माइनस एक एन प्लस थ्री सी थ्री, सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन यहां पर आना चाहिए। सर पेड ग्रुप कोई भी नहीं है माय डियर, पेड ग्रुप कोई भी नहीं है, पेड तो हमारा केवल जो कोर्स था जो पूरा ईयर लॉन्ग चला था, बाकी टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अपन देखें एक बार, मध्य पद, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एज इट इज एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन हमें देखने को यहां पर मिल सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, x प्लस वन अपॉन टू एक्स के विस्तार में मध्य पद कितना है, x प्लस वन अपॉन टू एक्स की होल पावर टू एन के विस्तार में मध्य पद, देखो पदों की संख्या, पावर में टू एन है तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या यहां पर हो जाएगी 2n प्लस 1, और पदों की संख्या है विषम, पदों की संख्या विषम है तो मिडिल टर्म एक होती है, तो मिडिल टर्म उस कंडीशन में हमारी एक होती है, मिडिल टर्म हमारे पास एक होगी, मिडिल टर्म हमारे पास एक होगी और वो इसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे, 2n प्लस 1 प्लस 1 बटे 2, तो ये हमारे पास आएगी tn प्लस 1, और टी एन प्लस वन का जब मान यहां पर निकालोगे तो आप देख सकते हैं टी एन प्लस वन की वैल्यू जो है वो आएगी 2n सी एन एक्स की पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस एन और 1 अपॉन 2x की पावर n, 2n सी एन का मान यहां से लिख देंगे, ये x की पावर तो कट जाएगी, x की पावर यहां ऊपर n है नीचे भी n है, कट जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना, और 2n फैक्टोरियल, इसमें 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लाई है, सम पद अलग कर दिए, विषम अलग कर दिए, n फैक्टोरियल अलग है, तो यहां इसमें से दो निकाल लो, इसमें से दो, इन सब में से दो निकाल लेंगे तो दो की पावर n बाहर आएगा, ये कट जाएगा, और अंदर एक से लेकर n तक का फैक्टोरियल बनेगा, और ये जो मान है ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर यहां पर बनने वाला है, आंसर जो यहां पर बचने वाला है वो क्या आंसर यहां पर बचेगा माई डियर, 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 बटे n फैक्टोरियल, 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 बटे n फैक्टोरियल, इसका आंसर यहां पर बचेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात यहां पर सबको अच्छे से, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने करा है, फिर से इस तरह का एक सवाल आप लोगों के सामने है, अब इस सवाल का आंसर आप लोगों से चाहिए माय डियर। इस तरह का अभी एक सवाल पहले हमने छोटा सवाल किया था, अब थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आया है, थोड़ा सा उसके अंदर एक घुमाव आया है, अब इस सवाल का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, फटाफट से इस सवाल का आंसर आप लोग बताएं माय डियर। 5 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 7 की पावर 1 अपॉन 6 होल पावर में 642 के प्रसार में पूर्णांकीय पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स यहां पर चाहिए, पूर्णांकीय पदों की संख्या हमें यहां पर चाहिए कितनी होंगी ये आपको बतानी है। 5 की घात 1 बटे 2 प्लस 7 की घात 1 बटे 6 होल पावर 642 होल पावर में 642 के प्रसार में पूर्णांकीय पदों की संख्या, तो अभी इसका तरीका क्या बताया था माय डियर, सबसे पहले तो टी आर प्लस 1 नोट कर दिया जाए, इसमें टी आर प्लस 1 क्या लिखोगे, 642 सी आर 5 की घात 1 बटे 2 होल पावर में 642 माइनस आर आएगा और यहां पर यह आएगा, ठीक है ना, ये मानों को आप देखोगे तो ये मान कितना हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट,
हाँ जी भाई, चलिए एक इमरजेंसी कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया। तो यहां पर अपन देखें, अब यहां पर जो है अपन को आर के ऐसे मान चाहिए, इस ये मान एक बटे दो से गुणा हुआ तो ये आ गया और ये आर बटे छह हो गया। अब आर बटे छह भी इंटीजर होना चाहिए और आर बटे दो भी इंटीजर होना चाहिए। आर के ऐसे मान देखने हैं जिनमें दो का भाग भी जाए और छह का भाग भी जाए। तो छह का भाग जाए दो का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो छह के मल्टीपल में वैल्यू देखनी है। किसके मल्टीपल में देखनी है? छह के मल्टीपल में, ठीक है ना। राम राम जी गंगा पुत्र जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। दो का भी भाग जाए और छह का भी भाग जाए, तो छह का भाग जाएगा तो दो का भाग तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो छह के मल्टीपल में जीरो छह बारह डॉट 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 ये बनेगी एपी। और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखा था पिछली क्लास में हमने, इसकी ट्रिक बताई थी डायरेक्ट मैंने। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर दो। छह का भाग इसमें देंगे, छह एकम छह जीरो और छह सत्ते बयालीस 107 प्लस एक करेंगे तो 108 यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो आंसर यहां पर जो निकल करके आएगा वो 108 आएगा। दीपाली जी आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 238 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर जो है वो 108 यहां पर आने वाला है, 108 इसका आंसर यहां पर निकल करके आया है। तो सभी को समझ में आया ये सवाल अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 23 का लॉजिक जो है ये पकड़ पाए आप सभी लोग? फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन सारे लोग समझ पाए माय डियर? अच्छे से बताइए जल्दी से फटाफट से। इज देयर एनी तकलीफ टू एनीवन? क्या सभी को ये बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि मुझे एक बार पता चल जाए कि मेरी मेहनत यहां पर सफल हो रही है और मैं आप लोगों तक कुछ चीजें पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को यहां पर देने के लिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, इस सवाल को जरा करें। 1 + x + x² की घात -3 के प्रसार में x की घात 6 का गुणांक लिखना है। अब ये सवाल हम लोग कैसे लिखेंगे माय डियर? ये यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। 1 + x + x² की घात -3 के प्रसार में x की पावर 6 का गुणांक हमें चाहिए। 1 + x + x² की घात -3 के प्रसार में x की पावर 6 का गुणांक कितना होगा, जल्दी से यहां पर बताइएगा। इसका आंसर कैसे आप लोग लगाओगे, क्या तरीका इसका यहां पर हो सकता है, सोचिएगा इसका आंसर यहां पर क्या हम लोग लगा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। यहां पर 1 + x + x² ये जो मान हमें मिलता है, ये मिलता है हमें 1 - x³ का के गुणनखंड करने पर। अगर हम 1 - x³ के अगर फैक्टर करें तो 1 - x³ के फैक्टर होते हैं 1 - x × 1 + x + x² और यहां से इसका मान अगर निकाला जाए तो 1 - x को इसके बटे में ले जाओ तो 1 + x + x² को क्या लिख सकते हैं माई डियर? 1 - x³ / -x^3। तो 1 - x की पावर -3 इसको ऊपर ले गई तो 1 - x³ हो गई और 1 - x³ - 3 हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर जब इसको खोलेंगे 1 + 1 - x² - n, ये इसका सूत्र होता है 1 + nx + n × n+1/2x² और इसका यूज करके हमने यहां पर जब इसको खोला तो 1 - यहां x की जगह कितना आ गया x³ आ गया, n का मान यहां पर 3 आ गया, तो ये 1 - x³ की घात -3 का प्रसार खुल गया, 1 - x³ खुल गया। अब x की पावर 6 कैसे आ सकता है जब 1 गुणा हो x की घात 6 से, तो x की पावर 6 का गुणांक बनेगा 6। x को गुणा करने के लिए यहां x की पावर 5 चाहिए, यहां x की पावर 5 नहीं मिलेगी तो x से x की घात 6 नहीं बनेगी। x² के लिए x की घात 4 चाहिए, यहां x की घात 4 भी नहीं मिलेगी। x³ के लिए x³ मिलेगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणांक बनेगा -3। तो x की घात 6 का टोटल गुणांक जो यहां पर बन रहा है 6 - 3 और सॉल्व करने पर आपके पास कितना आंसर आ रहा है माय डियर? यहां पर 3 आंसर यहां पर निकल करके आ रहा है।
तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 3 में x की घात 6 का जो गुणांक यहां पर होगा, x की घात 6 का गुणांक यहां पर कितना हो जाएगा माय डियर, 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको बातें? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोगों से यहां पर क्या चाह रहा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के विस्तार में, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के विस्तार में दूसरे तीसरे और चौथे पदों का गुणांक, दूसरे तीसरे और चौथे पदों का गुणांक समांतर श्रेणी में है तो 2n स्क्वायर माइनस 9n का मान किसके बराबर होगा। दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो 2n स्क्वायर माइनस 9n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो दूसरा पद, तीसरा पद, दूसरा पद का गुणांक, दूसरे पद में r बराबर 1 है तो उसका गुणांक बनेगा 2nc1, तीसरे पद में r बराबर 2 है तो गुणांक 2nc2 या 2nc3, समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का डबल बराबर भार बलों का जोड़। अब यहां तक करने के बाद देखो इसमें यहां पे एक लॉजिक अपना सकते हो, इधर ध्यान देना, यहां पे गुणांक आ रहे हैं हमारे 2nc1, 2nc2 और 2nc3 और इसका डबल 2 into 2nc2 बराबर 2nc1 प्लस 2nc3, इसका भाग दे दो, 2 बराबर 2nc1 बटे 2nc2 प्लस 2nc3 बटे 2nc2। अब इसके मान जो यहां पर निकलेंगे ध्यान देना, इसमें ऊपर छोटा वाला मान है, अगर ऊपर छोटा वाला है तो यहां पर नीचे से जो मान आएगा 2 बटे 2n माइनस 1 और प्लस इसकी वैल्यू आएगी 2n माइनस 2 अपॉन 3, 2n माइनस 2 अपॉन 3 ये मान यहां पर आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन हमें जल्दी से हल करनी आनी चाहिए, इस कैलकुलेशन पे अपनी पकड़ बनाओ और इस कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बार बार, अभी 2-3 बार मैं आपको ये याद करवा चुका हूं, ये फॉर्मूला मैं आपको 2-3 बार याद करवा चुका हूं अभी अभी में, ये अच्छे से याद कर लो भाई और इसका यूज करना सीख लो, इसका अच्छे से यूज करना सीख लो माय डियर। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो, ये फॉर्मूला का यूज करना नहीं समझ में आ रहा मुझे बता दो, ये इस तरह से काम आता है। अब यहाँ पे इसके अटे बटे खत्म करना है, 3 × 2n-1 से गुणा कर दो तो यहाँ पे 6 × 2n-1 बराबर यहां हो जाएगा 6 और 2n-1 × 2n-2 ये गुणा करेंगे तो 12n-6 6+ कितना हो जाएगा 4n² - 4n-2n + 2 कितना हो जाएगा यहां पर 4n² और माइनस के 6n और माइनस के 12n माइनस के 18n, ठीक है ना, 6 और 2 8 और 6 14 बराबर 0, 2 का भाग दे दो तो 2n² - 9n + 7 = 0 तो 2n² - 9n का जो मान यहां पर आएगा, ये मान यहां पर आ जाएगा -7, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, -7 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना, वही बता रहे हैं माय डियर, उसी के लिए तो यहां पर लेकर के आ रहे हैं, 40 दिन की स्ट्रेटजी है ये, पर डे एक टॉपिक का रिवीजन आप लोगों को यहां पर करवाया जा रहा है। इस सीरीज को अच्छे से आप लोग ध्यान दो और इस सीरीज के क्वेश्चंस के माध्यम से हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर तैयार कर सकते हैं। इस सारी सीरीज को, इन सारे सुपर 30 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करोगे तो हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, ठीक है ना। इन सारे को हर टॉपिक या क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुपर 30 क्वेश्चन, सुपर 30 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर चल रहे हैं माय डियर, ठीक है ना, पर डे एक टॉपिक का रिवीजन यहाँ पर आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 सब लोगों को क्लियर हो गया माय डियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n प्लस 2 के प्रसार में मध्य पद का गुणांक p है और इसके प्रसार में मध्य पदों के गुणांक q और r हैं तो क्या क्या हो जाएंगे साहब। देखो जी, इसके लिए अपन ने देखा, मध्य पद अपन ने निकालना सीखा है, इसके प्रसार में मध्य पद क्या होगा,
1 प्लस एक्स की होल पावर 2n प्लस 2, इसमें मध्य पद एक ही आएगा, पदों की संख्या इसमें 2n प्लस 3 होगी, ठीक है ना। तो जब पदों इसमें मध्य पद क्या होता है, t n प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें मध्य पद कौन से बनेंगे हमारे पास, 2n प्लस 2 पदों की संख्या होगी, तो n by 2 t n प्लस 1 और t n प्लस 2, इसके अंदर दो मध्य पद आएंगे, इसका जो गुणांक यहां पर बनेगा, इसका गुणांक यहां पर बनेगा 2n प्लस 2 c n प्लस 1, ये हमारे पास p का मान है, और इसका में जो गुणांक बनेगा ये बनेगा 2n प्लस 2 c n बनेगा, और इसका जो गुणांक आएगा ये आएगा 2n प्लस 2 c n प्लस 1 आएगा, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, ये q है और ये r है, ये अपन को यहां पर दे रखें। अब देखो यहां पर एक लॉजिक क्या लगेगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, दो इस तरह से हमारे पास प्लस में आते हैं, ऊपर वाला मान समान है, नीचे एक का अंतर है, तो ऊपर वाले मान में एक जुड़ जाता है एन प्लस वन, और नीचे से बड़ा वाला मान आ जाता है आर, तो इन दोनों का जोड़, ठीक है ना, यहां टू एन प्लस टू नहीं आएगा, टू एन प्लस वन आएगा, यहां पर इनके जो गुणांक आएंगे, यहां एन का मान टू एन प्लस वन है, यहाँ n का मान कितना है 2n प्लस 1, तो यहाँ आएगा 2n प्लस 1 cn, और इसमें आएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर समान है तो ऊपर एक जुड़ जाएगा 2n प्लस 2, और नीचे से बड़ा वाला आ जाएगा n प्लस 1, मतलब q और r का जोड़ जो है वो p के बराबर आ रहा है, p बराबर q प्लस r का रिलेशन यहाँ पर फॉलो होगा। यहाँ पर कौन सा रिलेशन यहाँ पर फॉलो होगा माई डियर, P बराबर Q प्लस R का रिलेशन यहां पर फॉलो होगा। आर यू गेटिंग ऑल, सबको समझ में आ गई बात अच्छे से, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर देखा जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर लगाइए जल्दी से, दिस इज वेरी वेरी प्यारा सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, क्वेश्चंस अच्छे हैं सारे, ठीक है ना, 2c0 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 c1 2q अपॉन 3 c2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर 11 अपॉन 11 c10, ये मान यहां पर किसके बराबर है, अब देखो c10 तक जा रहा है, मतलब n का मान यहां पर कितना है 10 होगा, मतलब n की वैल्यू यहां पर जो है वो कितनी होगी 10 होगी, इस समेशन के रूप में अगर इसको लिखा जाए तो कितना है 2 की पावर सी आर, 10 सी आर अगर यहां पे लिखें तो 2 की पावर इससे एक ज्यादा है आर प्लस वन, 2 की पावर कितनी है यहां पर आर प्लस वन, 10 सी आर 2 की पावर कितनी है आर प्लस वन, जितनी 2 की पावर है उतना ही मान बटे में है, बटे में है आर प्लस वन, सिग्मा आर बराबर जीरो से लेकर के 10 तक, r बराबर 0 से लेकर 10 तक, इस पूरे मान को इस तरह से यहां पर लिखा जा सकता है, और इस पूरे मान को जब यहां पर इस तरह से लिखोगे तो इसमें एक काम आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें एक काम करूं मैं 11 से गुणा करूं, 11 का भाग दे दूं, r बराबर 0 से 10 तक 11 का भाग दिया और 11 से गुणा कर दिया, इसके पीछे का लॉजिक समझना, 10 सी आर इंटू में 2 की पावर आर प्लस वन, इस तरह से मैंने इसको लिखा। अब ये जो एक बात क्या होती है, एन सी आर है, इसमें से ऊपर से n और नीचे से r, n बटे r ले लेते हैं, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन हमारे पास बच जाता है, ये चीज हमारे पास बचती है, और अगर हमारे पास है n प्लस वन सी आर प्लस वन है, ऊपर से n प्लस वन लिया बटे r प्लस वन लिया, तो ये रह जाता है एन सी आर, तो यहां पर इस वैल्यू को ये 1/11 तो बाहर निकल जाएगा, और आर बराबर 0 से 10 तक ये हो जाएगा हमारा 11 सी आर प्लस 1, और 2 की पावर हो जाएगा आर प्लस 1, ये कहानी यहां पर हमारे पास बनेगी, और इसको जब यहां पर देखा जाए तो 1/11 आर का मान 0 लगाएंगे तो 11 सी 1 2 की पावर 1, फिर आ जाएगा 11 सी 2 2 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, 10 लगाएंगे तो 11 सी 11 और 2 की पावर 11 तक हो गया। अब इसमें 11 सी 0 वाली टर्म नहीं है, 2 की घात 0 ये जोड़ दिया, इसका मान 1 है और ये 1 हमने घटा दिया,
तो ये जो मान है ना, ये वाला मान, इस वाले मान को लिख सकते हैं अपन 1/11, और इसको लिख सकते हैं अपन 1+2 की पावर 11। यहां से लेकर यहां तक का जो मान है ये 1+2 की पावर 11 का प्रसार है, और -1, तो ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 11 -1/11। ये इसका मान निकल करके आएगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी प्यारा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मजा आया सभी को। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जो लगेगा, इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या लगेगा, 3 की पावर 11 -1/11। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 की पावर 11 -1/11। ये आंसर यहाँ पर लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आ गई माय डियर? अच्छे से चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप, 28 वाले सवाल का आंसर क्या लगाने वाले हैं आप, जल्दी से बताइएगा माय डियर। n=1 ले लें, n पद यहां पर रहेंगे, ठीक है ना। तो n=1 अगर लें तो एक आंसर आ रहा है, और n=1 पर 2/1 दो आंसर आ रहा है, ये गल जाए कट जाएगा। n=1 पर ये आ रहा है, और n=1 पर 1/2 ये भी कट जाएगा, इसमें भी एक नहीं आ रहा, इन दोनों में एक एक आंसर आ रहा है। n=2 पर अगर देखें तो दो पद अगर ले लें 1/2, और n=2 पर +1/2 एक आ जाएगा, और एक यहां पर आ रहा है क्या, 4/3 फैक्टोरियल, ये नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। और यहां पर n=2 पर 2 की पावर 1/2, यहां से एक आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आई? n=1 पर तो केवल ये आना चाहिए, और n=2 पर इन दोनों का जोड़ आना चाहिए, जिस ऑप्शन में मैच कर जाए वही हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर सब लोगों को ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर क्या कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। 1+1+1+x+1+x2……+1+x^n, यहां पर क्या बन रही है, ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है ये जीपी। इसमें पहला पद a=1 है, r=1+x है, और n का मान तो n है, ठीक है ना। और इसका जोड़ का सूत्र लगाओगे जीपी में, सूत्र का जोड़ का सूत्र हमारे पास Sn=, क्या होता है Sn=, ये सूत्र होता है। मान जब इसमें लगा देंगे सारे, a का मान तो 1 हो ही गया, r^n, या n का मान कितना है, n का मान n नहीं है, यहाँ पदों की संख्या n+1 आएगी, क्योंकि पावर 1 से n तक तो n पद तो यही हो गए, और एक पद ये है, तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, n+1, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। तो r का मान 1+x और n का मान n+1, -1/ ये, तो 1+x^n+1 -1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माय डियर। अब देखो हमें इस पूरे प्रसार में, इसमें हमें चाहिए किसका गुणांक, हमें चाहिए x^r का गुणांक, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात समझना, यहां विस्तार में जो x^r का गुणांक है, इसमें अगर हमें x^r का गुणांक, इस पूरे में x^r तब मिलेगी जब ऊपर वाले में हम x^r+1 चेक करेंगे, इसमें x^r+1 चेक करनी पड़ेगी, इसमें हमें देखना पड़ेगा x^r+1 का गुणांक, और x^r+1 इसी में आएगी। तो 1+x^n+1 में x^r+1 का गुणांक n+1 cr+1 होता है। आपको पता है 1+x^n में x^r का गुणांक क्या लिखते हैं, ncr। तो 1+x^n+1 में x^r+1 का गुणांक कितना हो जाएगा, n+1 cr+1। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब ऊपर हम x^r+1 देखेंगे तो उसमें x का भाग लग करके वो कितना रह जाएगा, x^r रह जाएगा,
और हमें x की पावर r का गुणांक यहां पर मिलेगा। सही है माय डियर? चलिएगा, ये सवाल हमारा यहां पर हुआ, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं, सिंपल सवाल था, ठीक है ना। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको यहां पर ऑप्शन से, अगर n बराबर और r का मान रख करके देखना चाहो तो n बराबर 2 ले सकते हो आप। इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हो, n बराबर 2 ले लिया और r का मान फिर 1 ले लें, n बराबर 2 ले लिया तो इस तरह से आपको एक टर्म मिलेगी, और r बराबर 1 ले लें तो x का गुणांक यहाँ 3 मिल रहा है। अब सारे ऑप्शनों में यहाँ चेक कर लो तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पर सही आते हैं, तो फिर r बराबर 0 लेके देख लिया और r बराबर 0 पर अचर पद यहाँ पर बन रहा है 3, और ये किस में मिल रहा है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सी। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, मेथड भी बताया है और डेटा लेकर के भी इस सवाल को कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद ये सवाल तो आप सब लोगों का हमारा फेमस सवाल है ही, जानते होंगे अच्छे से अपन। इस सवाल का आंसर निकालो जल्दी से, सिग्मा के बराबर 0, आज का सुपर 30 सेशन का लास्ट सवाल। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग फटाफट से, मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके आंसर डालें, कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से इसका आंसर यहां पर आना चाहिए माय डियर। सिग्मा के बराबर 0 से 10, 20 सी के का मान हमें चाहिए। सिग्मा के बराबर 0 से 10 मतलब यहां पर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, 20 के बराबर 0 से 10 है, 0 से 10 तक। अब के बराबर 0 से n तक अगर लें तो 2 की पावर n होता है, तो 0 से 20 तक 20 सी के है, तो 20 सी 0 से स्टार्ट करके 20 सी 20 तक जाएं तो 2 की घात 20 होता है। अब इसमें एक बात पता है हमें, 20 सी 0 से स्टार्ट करें और 0 से स्टार्ट करते हुए 9 तक जाएं और 9 के बाद 10वीं टर्म ये आ गई, और 10 के बाद जो आगे की टर्म आती है 20 सी 11, ठीक है ना। 20 सी 11 किसके बराबर होती है? 20 सी 9 के बराबर आएगा, फिर 20 सी 12 20 सी 8 के बराबर आएगा, वो वापस से इन्हीं के अंदर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ये लाइन समझना आप एक बार अच्छे से, ये बात अच्छे से जानते हैं अपन, ठीक है ना। यहां पे 0 से 9 तक की टर्म लिख दी, 10 वाली टर्म यहां लिख दी। अब जो 11 वाली टर्म है वो 9 वाले के बराबर होगी, 12 वाली 8 के बराबर, 13 वाली 7 के बराबर, 14 वाली 6 के बराबर, 15 वाली 5 के बराबर, 16 वाली 4 के, 17 वाली 3 के, 18 वाली 2 के, ठीक है ना, 19 वाली 1 के और 20 वाली 0 के। मतलब ये सारे पद उनको लिखने, इनका डबल कर दिया और हमें जो मान पूछा गया है वो इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान निकालना है। तो 20 सी 10 को हम ले गए बराबर में, ठीक है ना। उधर जब बराबर में ले गए तो 2 की घात 20 और माइनस में आ जाएगा इधर 2 की घात 20 सी 10, ये यहां माइनस में आएगा, ठीक है ना। माइनस में कितना आ जाएगा? 20 सी 10 आ जाएगा, 2 की घात 20 माइनस में आएगा 20 सी 10, और फिर 2 का लग जाएगा उसमें भाग, 2 का भाग जब उसमें देंगे तो 2 की घात 20 में 2 का भाग दे 2 की घात 19, और यहां रह जाएगा माइनस 1 बटे 2 20 सी 10, 1 बटे 2 20 सी 10 माइनस आना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। हाँ माइनस ही आएगा, तो यहां पर जो इसका आंसर लगेगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो समझ में आया सभी को ये सवाल अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। ये यहां पर पहले गलत हो रहा था, इधर जब ट्रांसफर करा तो गलती से प्लस लिखने में आ गया, सही कर दें यहां पर, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहां पर निकल करके आएगा। बिल्कुल हाँ महेश कुमावत जी, ये इस सूत्र में लिखा है ना, इस सूत्र को हमने काम में लिया है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इस सवाल को यहाँ पर किया है। तो क्या सभी लोगों को समझ में आया? कैसा लगा आज का सेशन? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपने बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आप लोग आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया सभी को? बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने का, सर दोनों तरफ अच्छा 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 जोड़ा है क्या? ओ हो हो, सही है सही है सही है सही है सही है, 20 सी 10 को डबल करा है, सही है। ओ सही है सही है सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, वो इसमें देखने के चक्कर में हो गया, सही है। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे एक बात को समझने की कोशिश करना,
यहां पर हमने क्या करा, बी सी दस है, इसको भी डबल में लाने के लिए इधर बी सी दस जो है एक और ऐड कर दिया, और इधर बी सी दस ऐड करेंगे और इधर भी बी सी दस हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ताकि बी सी दस ये भी डबल हो जाए और यहाँ पर बी सी दस तक की कहानी बन गई, ठीक है ना। फिर दो बटे में आया है, और दो बटे में आया तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर आएगा। तभी सोचू मैं कि गड़बड़ क्यों हो रही है यार, ये ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा, सही कर लीजिए, ठीक है ना। ओके माय डियर, कल का टॉपिक मैं आपको मॉर्निंग में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ्स के लिए, क्लासेस के लिए, अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैटर्स मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन चीज़ों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक सीरीज को पहुँचाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।